नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। कौन सी अपडेट है जी? करीबन करीबन 32 वैकेंसियों की अलग अलग वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या और बायोमेट्रिक की अपडेट आ चुकी है, नोटिस रिलीज हो चुका है। किन किन कैंडिडेट की है, कौन कौन सी अपडेट के बारे में रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, वो आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चलते हैं जी, ये देख सकते हो इसमें टोटल जो वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नंबर है जी 12/2022। इसके अधीन 1, 2, 3, 7, 14, 15 से लेकर 97 तक अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि 2019 दिसंबर में आपने अप्लाई किया था, उसके रिगार्डिंग आपका एग्जाम हुआ था। सभी का अलग अलग रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट भी आप हमारे चैनल पर बैक जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद ये देख सकते हो इसमें पूरे पूरे जो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे और जिन जिन कैंडिडेट का नाम उस मेरिट लिस्ट में आ चुका है उनका शेड्यूल कमेटी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार और कास्ट के अनुसार अलग अलग है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जो कि कैटेगरी नंबर है जी 7 और कमेटी नंबर 5। इसमें 1 अगस्त को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट और बायोमेट्री है, उसके बाद 2 अगस्त को SC BCA BCB के कैंडिडेट की बायोमेट्री और वेरिफिकेशन है, 3 अगस्त को बाकी सभी कैटेगरी की है। इसी तरह लाइब्रेरियन के जो कैंडिडेट हैं कैटेगरी नंबर 3 के, एडवर्टाइज 12/2019 कैटेगरी नंबर 3 है और इसमें कमेटी 2 में जाकर इनकी वेरिफिकेशन होगी 1 अगस्त को सभी प्रकार के कैंडिडेट्स की, चाहे जनरल है चाहे कोई रिजर्वेशन का है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें शिल्प अनुदेशक स्टेनोग्राफी हिंदी की, तो इसमें 3 नंबर कमेटी में 48 और 49 नंबर इसका कैटेगरी है और 1 अगस्त को इनकी भी वेरिफिकेशन है। और इससे फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर 4 नंबर कमेटी में होगा, कैटेगरी नंबर 2 है, ठीक है जी, और 1 अगस्त को है। इसी तरह शिक्षुता अनुदेशक की है जो टीचर की है, इसमें कमेटी नंबर 6 में वेरिफिकेशन होगी, 24 नंबर कैटेगरी है और 1 अगस्त को सभी की होगी, ठीक है। और फाउंड्री मैन आर्किटेक्चरल सहायक हेल्पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, इसमें कैटेगरी नंबर 14, 15, 27 और 19 ये कैटेगरी के 2 नंबर कमेटी में जाके आपकी वेरिफिकेशन होगी 2 अगस्त को सभी कैंडिडेट्स की। शिल्प अनुदेशक अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की बात करें तो 3 नंबर कमेटी में 51 और 52 नंबर कैटेगरी की 2 अगस्त को वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। इसी तरह आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिकल, कंप्यूटर मैकेनिक, हार्डवेयर मशीनिस्ट, इनकी जो कमेटी नंबर है 6 में वेरिफिकेशन होगी, 36, 40, 53 और 56 नंबर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट्स की 2 अगस्त को वेरिफिकेशन होगी। इसी तरह पेंटर वालों की 2 नंबर कमेटी में 73 पोस्ट कोड है और 3 अगस्त को होगी। इसी तरह HR कंप्यूटर नेटवर्किंग के 3 नंबर कमेटी में 54, 55, 62 और 70 नंबर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की होगी। अगर आप देखना चाहते हो भी आपका रिजल्ट कहाँ पर आया हुआ है, वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है जी। एग्जाम जो बल्ड जैसे ही सर्च करोगे आप ऑफिशियली गूगल पर, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में सारे के सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कौन से रिजल्ट है यहाँ से देख सकते हो, ये डिटेल में पूरे के पूरे आपको डिटेल भी दे दी गई है, कैटेगरी नंबर, अलग अलग कैटेगरी के रिजल्ट आए हुए हैं। अगर इससे पीछे भी जाओगे तो सारे के सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे यहीं पर, ये देख सकते हो हरियाणा HSSC के वेरियस रिजल्ट, ठीक है। इस तरह अलग अलग रिजल्ट आपको सभी के सभी देखने को यहाँ पर हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हो 12/2019 वेरियस पोस्ट रिजल्ट और अदर अपडेट, यानी कि सारी डिटेल आपके ऐसा टाइम टू टाइम देते हैं। और examjobalert.com भी विजिट करते रहिएगा। इसी तरह आप यहाँ से अपनी कैटेगरी देखिए, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसे 5 नंबर बूथ पर आपका कमेटी में वेरिफिकेशन होगी, 28 नंबर कैटेगरी एडवर्टाइज की, ठीक है, एडवर्टाइज तो सर 12/2019 है, पोस्ट कोड आपका 28 है, 4 अगस्त को होगी। इसी तरह सभी की आप देख सकते हो अलग अलग सारी की सारी डिटेल 5 अगस्त तक आपकी
टोटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसमें क्या है जी, जो कैंडिडेट साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर यानी कि जिनके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो कैंडिडेट आप अपना फॉर्मेट जो है तहसील कार्यपाल मजिस्ट्रेट या BCMD से वेरीफाई करवा कर जरूर आए भी हमारे सरकारी जॉब में कोई नहीं है। अगर वेरीफाई नहीं करवाओगे तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। और जो जिन कैंडिडेट की कोई एक्सपीरियंस है उनको या तो रजिस्ट्रार से अटेंडेंस कॉपी या EPF स्टेटमेंट साथ में होनी चाहिए, साथ में ही आपका फॉर्म नंबर 26 सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट होनी आपकी जरूरी है, तो ही आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा, तो ही आपको एक्सपीरियंस के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी, और आपको यही मैं बताऊं, कई कैंडिडेट्स ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, उनका मेरी तरफ से हार्डली मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी ऐसी वीडियोस में प्रॉब्लम आए तो मेरे को कृपया करके पर्सनली मैसेज जरूर कर दिया कीजिए, तो वीडियो आपको दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो जो मैंने डिटेल्स बताई हैं, जो जो कैटेगरी बताई हैं, ये सारी कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हैं जी, कहीं पर सीरियल वाइज देखते रहो नहीं, सभी कैटेगरी के अलग अलग डेट वाइज अलग अलग कैटेगरी के शेड्यूल तैयार किए गए हैं। आपने सारे के सारे ओरिजिनल प्लस में आपका प्रिंट आउट प्लस में आपके एक्सपीरियंस प्लस में आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो, ठीक है, प्लस आपका इकोनॉमिक का जो यानी कि कोई नो जॉब में नहीं है तो उस वो वेरीफाई आपने SDM से करवाना है या अपने तहसीलदार से वेरीफाइड जरूर कराना है। विदाउट वेरिफिकेशन के आप अपलोड मत कीजिएगा, आप मत जाइए वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने सिग्नेचर नहीं कराए हुएंगे तो उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नो जॉब का आपने पहले वेरीफाइड करवा कर जाना है जी, SDM जो आपको मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर डाउन में भी प्रॉपर वे में बता दी है, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर वे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी भी गई है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिनका है उन्होंने अपने मजिस्ट्रेट से या कार्यपाल से या तहसीलदार से या SDM से वेरीफाई करवाना है। अगर आप कहीं पर एक्सपीरियंस आपने अपलोड किया अप्लाई करते टाइम तो वो भी एक्सपीरियंस भी आपने वेरीफाइड करवाना है, या अटेंडेंस कापी, EPF कापी, सैलरी स्लिप, सैलरी का बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने तो ही आपको एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स मिलेंगे जी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे भाई हमारी जॉब में कोई नहीं है, आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, बायोमेट्रिक मूल दस्तावेजों के लिए अपनी डेट वाइज अपनी कैटेगरी वाइज अपने डॉक्यूमेंट लेकर एक एक सभी की फोटोकॉपी सेट लेकर आपने पंचकुला पहुंच जाना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर वो बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके ना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। ये पूरे का पूरा एड्रेस है जहाँ पर आपने जाके वेरिफिकेशन करवानी है। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल में हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।